तो हम बनाने की तैयारी करके बैठे हुए हैं कैरमल पुडिंग, जो ज्यादा एग पुडिंग है तो पता नहीं इसका नाम कैरमल पुडिंग क्यों रखा है। कैरमल पुडिंग इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसका जो टॉपिंग है ना, इट्स गोइंग टू बी लाइक कैरमल ऑरेंज, ब्यूटीफुल। तो ये देखने में भी बहुत अच्छी होगी और खाने में बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो गाइज मुझे आई एम श्योर कि आप लोग हमें बहुत मिस कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन हो रहा होगा और हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। तो हमने सोचा कि एक अच्छी सी रेसिपी लेके आज हम आए हैं। दिस इज इजी एंड दिस इज इनफ फॉर लाइक 5 लोगों के लिए। 6 अंडे हैं तो 6 लोगों के लिए, ज्यादा अंडे खाना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये 6 अंडे है, शुगर है, वनीला एसेंस है, दूध है और एक बोल है। मरियम आपको चाहिए कि आप ये अब एग्स तोड़ के इसमें डालो। अच्छा गाइस, कुछ लोग पहले अंडा तोड़ के एक प्याली में डालते हैं और फिर डालते हैं कि कहीं गंदा अंडा ना निकला है, लेकिन मैं अल्लाह तवक्कल करती हूँ और कभी गंदा अंडा नहीं निकला। लेट्स सी के अभी क्या होता है। करो मरियम, कांटे से कर लो। नहीं तो 1 किसमें रखती जाओ? गमलों में डाल ले तो पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। कैल्शियम है। सीरियसली? या इसको पाउडर करके ना। 3 वाह भाई वाह। मरियम अंडे फोड़ने में तो आप हो गए। 4 जी प्लीज। क्यों कोई छिलका नहीं टूट रहा? मुझे जरा पीछे से दिखाएं। यो इस अंडे के ऊपर कुछ था भूरा सा। कुछ भी नहीं था यार। तुम क्या अब दिखा दे, ये अब आपने शक में डाल दिया। दीज आर ऑल फ्रेश एग्स, प्योर फ्रेश। और मुझे जरा दूर से मुझे दिखाएं। गाइस अगर आप लोग गौर करें तो मैंने अपने बालों की आज बैक कॉम्बिंग करवाई हुई है। फेंटना था नहीं और मामा गलवर जो है 1960s में पहुंच गई है। नहीं नहीं, मुझे असल में मैं गई थी पार्लर में बालों की रूट्स कराने ना, तो वो जो लड़की है उसने ऐसी बैक से ये कर दिया। तो ये मामा जब भी इस तरह फिर जिम जाती है सब। और प्लीज तसल्ली में रहें और बिल्कुल परेशान ना हो, स्ट्रेस ना लें। ये इस पे इतना स्प्रे हुआ है कि कोई बाल पुडिंग में नहीं जाएगा। मेरा कोई वो नहीं है गारंटी। नहीं नहीं, ये बच्ची तगड़ी है, मेरे बाल झड़ते ही नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा ये देखिए, अभी हम इसको फेंट रहे हैं, कोई इतना खास ज्यादा फेंटने की जरूरत नहीं है। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा, सेंस के अंडों में थोड़ी सी क्या होती है मरियम, स्मेल उसके लिए खाए ना। तो ये आप इसमें थोड़ा सा डाल दें वनीला का। कितना काफी है? वनीला एसेंस। हाँ, बहुत है। ये देखिए 1 teaspoon ऑलमोस्ट, जस्ट ताकि स्मेल खत्म हो जाए, है ना? हाँ जी। मामा सारा गंदा काम अंडो वाला मुझसे करवा के खुद आप खुशबूदार वनीला एसेंस को हाथ लगा रहे हैं। ये अब आप चीनी डालें इसमें। ये आपने इसमें डालनी है आई थिंक ये वाले टेबल स्पून जो होते हैं ना चावल खाने वाला चम्मच, ये 4 बहुत है। 1 मरियम रुक रुक बेटा, 3 enough, ठीक हो गया जी। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे तकरीबन, मैं तो ये करती हूँ कि मैं 2 glass दूध डालती हूँ, पूरे फुल भर भर के नहीं डालती ना, वरना फिर बहुत नरम बनेगी, बन जाएगी। वाह भाई वाह, मरियम बहुत धन बोली। तुम तो दूध वाला बन गई हो। और ये हो गई, ठहर जाओ, मतलब नहीं पूरे फुल भर भर के नहीं डालने, इतने इतने डालने हैं। टूर है ना। तो अगली दफा आप मुझे बताएं कि मुझे बैक कॉमिंग सूट करती है कि नहीं। करती है आई थिंक सो। ये मुझे तो लग रहा है पूरा टीपॉट लग गई हो। हाँ, कि पूरे गुट्टे कोजी सर के ऊपर। लेकिन ये बहुत ऊंचा है, ये थोड़ी देर में जब नीचा हो जाएगा तो देन इट विल लुक बेटर। ये आप उधर रख दे साइड पे और ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ। साथ साथ आपने अपनी चीजों को नीट भी करना। ये हमारा प्लांट्स का फूड है, हम साइड पे रखेंगे और अब हम बनाएंगे ये। अब इसको पकाना भी है।
प्लीज अभी इस तरफ आ जाए प्लीज। तो ये हमने एक छोटी सी देचकी ले ली है, ठीक है, खाली है। ओके, इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चीनी कैरमल बनाने के लिए। ओ आई थॉट ये कर, ये देखिए इधर मुझे लाइन ये, ठीक है जी, जितना कैरमल आपने बनाना है, मेरे लिए तो ये एक डेढ़ चम्मच का कैरमल बहुत है। और इसको मेल्ट होने दें और फिर इसको गोल्डन होने दें, चीनी को, चीनी को। अब इसको वैक्स में यूज कर लें? जी नहीं। Don't turn my back towards my subscribers, please. Guys, ये जो मैं इतनी अच्छी पुडिंग बनाकर आप लोगों को दे रही हूँ ना, तो इसके बदले में मैं ज्यादा कुछ नहीं चाह रही हूँ, बस ये है कि जितने व्यूज हो उतने लाइक्स हो, जो भी देखे प्लीज लाइक कर दे, लाइक कर दे। इतनी ज्यादा मेहनत करवा रही हो उनसे, और सब्सक्राइब भी करें और कॉमेडी भी करें। यस, बिकॉज आई लव यू गाइज। ओके जी, तो ये अब लाइन थोड़ा सा, ये अब मेल्टिंग पॉइंट पे शुगर आ गई है। इसको पकाना है ऐसे ही फ्रीज कर देना है? तो ये आपकी जो है ना, ये हर शादी पे कैरमल पुडिंग होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डब्बे के भी में भी बनी बनाई मिलती है, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, जो खुद बनाने वाली पुडिंग का टेस्ट आता है, एंड इट्स यमी। इसको आप ठंडा करके सर्व करें, या फिर आप ये करें, मुझे इसको आप फ्रिज में ठंडा करें, और इसके ऊपर जो एक मॉइस्ट सा कैरमल का लेयर ऊपर आ जाएगा, और उसके ऊपर आप जैसे आड़ू वगैरह है उसको सिरप में करके उसको थोड़ा लंबा लंबा काट के, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन ये है कि वो करके आप अगर उसके ऊपर थोड़ा सा लगा दें तो इट टेस्ट अमेजिंग। अब ये देखिए, अब ये मेल्ट होने लग पड़े, ये देखें, चीनी लाओ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसको आपने सिर्फ अपने उसके ये देखें, ये देखें, नहीं 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 प्लीज उसको ऑन अभी ना करें, मुझे ठीक हो गया मेल्ट, नहीं ये भी मेल्ट हो के ना, तो इसको आपने ऑरेंज होने देना है, ठीक है, साइड से हो रही है, होने दें थोड़ी इसको, आग हल्की रखें गाइस, ऑलवेज रिमेम्बर के शुगर और मीठी चीज बहुत जल्दी जल जाती है, मक्खन और शुगर, मक्खन और शुगर बहुत जल्दी, इसके अंदर कुछ भी नहीं हमने डाला, मक्खन मक्खन नहीं डाला, सिर्फ चीनी है, चीनी है। और मुझे भी इसको दिखाएं, जैसे जैसे टर्न हो रहा है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये ऑरेंज हो रहा है, इसको हम ऑरेंज होने देंगे, थोड़ा थोड़ा मैं इसको हिलाती जाऊंगी, ये देखें बेटे वो ले लेती ना, पड़ी हुई अंदर प्लग करती है, मरियम ने, मरियम दो मिनट में हो जाता है, अंडे को खूब फेंटा लगाए, मिक्सर ले लेती बेटा, नीचे पड़ा हुआ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये इवन मतलब बच्चियां भी बना सकती हैं, बच्चे भी बना सकते हैं, यू डोंट नीड एनीथिंग बीटर और ये, नो नो, बस हल्का सा इसको बीट करना है, कोई फ्लफी करने की जरूरत नहीं, हल्का इसको बीट करना है, हटो जरा मुझे दिखाने दो, इसमें कैरमल का टेस्ट ही तब आएगा जब ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा, हो गया ना रेड, हाँ हो गया, अभी इसको थोड़ा सा ये ठंडा होगा ना मेरे ख्याल में, हाँ और रेड हो जाएगा, ये कहीं आग बंद तो नहीं हो गई ना, ये ले ये कैरमल हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। और अच्छी बात ये है कि इसको आप ना पूरे इसके बेस पे स्प्रेड कर ले, यूं करके ये देखिए हो गया, ऐसे करके ये हमने इसको यहाँ पे स्प्रेड करके थोड़ी देर के लिए हमने इसको रख दिया, एंड वी लेट इट कूल,
क्योंकि अगर हम इसे इसमें अंडे डाल देंगे तो अंडे पक जाएंगे, अंडा बन जाएगा वो ऑमलेट, ठीक है ना। तो ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, अंडे हमने यूज किए हैं और इसमें दूध डाला है और चीनी डाली तो अंडों के। अच्छा मीन वाइज अभी हो रहा है मरियम, ये बड़े वाले देखिए में थोड़ा पानी डालें। अच्छा वाटर बाथ देंगे? हाँ, हम इसको स्टीम करके बना रहे हैं ताकि हर कोई बना सके। ये देखिए मुझे, ये देखिए ये मरियम अब गोभी नहीं पका रही बल्कि मरियम एक बड़े देशके में पानी डाल रही है, इतना डाल रही है कि देशके का ये छोटी वाली देशके का डिप इस बेस इसमें डिप हो सके। बस मरियम वरना ये तैरना शुरू हो जाएगी। नहीं ये देखिए गाइस, ये मरियम ने ज्यादा डाल दी है, मैं इसको कम कर रही हूँ। ये ओके ठीक है, और इसको रखी मरियम बड़े वाले चूल्हे पर रख दी। तो हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर अब डाल देना है वो हमने जो बनाया है अपना ये कंकॉक्शन, ये एग कंकॉक्शन दिखाएं। ये हमने एग कंकॉक्शन इसके अंदर डाल दिया है और इसको हमने उठा के बड़े वाले देचके में रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इट्स एक्चुअली फ्लोटिंग इन इट। ये इट शुड फ्लोट? नो इट शुड नॉट। इट शुड फ्लोट? नो इट शुड नॉट। तो थोड़ा सा और इसको कम करना पड़ेगा ना जो अंदर डालना है। तो हम ये करते हैं कि वी जस्ट पुट द लिड बाहर से ये इसकी वजह से बड़ा वाला ढक्कन बंद नहीं होगा तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, ऊपर बड़ा वाला ढक्कन रखना। टाइम नोट कर लें, 20 मिनट्स तक ये बॉयल होगा और 20 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे। चेक हम इस तरह करेंगे कि हम इसके सेंटर में कोई नोकीली चीज डालकर विल सी कि अगर वो साफ सुथरा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये, और वैसे भी आप थोड़ी देर की हिला के देख लें वो सेट हो जाए। चल यार क्या मरियम चेक करें, चल पुडिंग लेट्स गो। भाई रात हो गई है, चलो आ जाओ। तो हो गई है, क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ भाई रात तो हो गई है लेकिन पुडिंग हुई है कि नहीं हुई ये नहीं पता। आओ देखते हैं। आज पुडिंग हो गई है, ये पकड़ो जरा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसको देखना कैसे है। भाप, हाँ इसको यूं करके ना, हाँ आहिस्ता कर लें। देखिए ये इसके इसकी स्टीम कितनी निकली है, इसको हमने आहिस्ता कर दिया और इसको हमने यूं करके निकाल के देख लें। इसको वैसे अगर हम हिलाएं तो भी पता लग जाता है कि इज इट फॉर्म्ड और नॉट। ये देखो आई थिंक गिव इट टू मोर मिनट्स। यस आई थिंक ये जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ बाहर आवाजें आने लग जाती हैं। देखो अभी मोटर ऑन है। हाँ जो मोटर ऑन है लेकिन साफ वालों की। मरियम वीडियो बहुत लंबी हो रही है। कोई बात नहीं, देखिए मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं गाइस। यार मरियम पहले ही एलिगेशन लगी हुई है कि किचन में बाल नहीं होने चाहिए। हमारा किचन हमारा खाना, मजाक कर रही हूँ। पांच एक मिनट और लेकिन ये है कि इट डिपेंड्स, आप चाहे तो आप थोड़ी नरम उतार लें। ये क्या है? क्या मामा कीड़ा है? हाँ यार मरियम व्हाट इज दिस यार, आई डोंट लाइक सच जोक्स, आई डोंट लाइक यू। जान निकल गई। हम ये सेकंड टाइम चेक करने लगे हैं। आई थिंक डन, आई कैन टेल इट्स डन। इससे ज्यादा ऑमलेट बन जाएगा अब। ये देखिए इसके अंदर
इसकी नोक डाल के देख लें. इट्स डन. इट्स डन. इट्स डन. शोर कितना मचा है पानी का. अब मरीन खान उलटाएगी. नहीं मामा, यू प्रॉमिस. उल्टाओगी आप लेकिन निकालूंगी मैं. ठीक है. पर मैं एक तरह से ना असल में होने चाहिए बेकिंग ग्लव्स या मिटन्स या लेकिन मिटन किटन. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. गेट अस आउट. वही थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं. ठीक है. ठीक है. थोड़ा सा ठंडा होगा, थोड़ी सी ये अच्छे तरीके से उलटेगी. फिर जिम से आके उल्टाएं? नहीं अभी उल्टा लेंगे 5 मिनट्स. ओके. और सुनाओ कैसी है तुम? इसी बहाने तुमने भी सीख ली. नाम क्या है तुम्हारा? तुम कहीं वीडियो तो नहीं बना रही? यार ये वाली वाली यार ये वाली 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 दूसरी करके बनाते हैं. एंड आई डोंट लाइक फ्रंट कैमरा. इतना मोटा मेरा मुंह आता है यार. ऐसा कितने हैं? मैं इधर चली जाती हूँ और आप उधर से आ जाओ. ठीक है. ये क्या हो रहा है? झूमर ये काट देना. नहीं इसको जब उल्टाना है ना तो मेक श्योर करें कि ये ठंडा हो चुका हुआ हो और ताकि ये साबुत की साबुत आपकी उलट आ जाए. हमारे साइडों से थोड़ा सा छुरी से छुरी से इसको एजेस को आप सेपरेट कर लें बोल से, है ना? हाँ. हमारे वाली थोड़ी सी अभी गर्म है लेकिन हमें जल्दी है तो इसलिए हम इसको अल्लाह का नाम लेके उल्टाने लगे हैं. और ये ऑनर्स करेगी जी मरियम. मरियम ये पकड़ो. नहीं ऐसे हाथ हाथ रखो ऐसे. इसके ऊपर हमने रखी ये वो इधर रखो ना. ठीक है. और इसके ऊपर हमने रखा ये उसके ऊपर हमने रखा ये. ठीक है जी. एक मिनट. इसके बाद आपने अपने अंदर सारी हिम्मत जमा करनी है जो आपके अंदर है और अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह. मरियम ये शेकी हाथों से नहीं होगा. अच्छा. तो इसको जितना यूं करेंगे ना वो करूं तोड़नी नहीं है. मैं नहीं गारंटी कर सकती मामा मेरे हाथ बहुत छोटे हैं. लेट्स डू इट. चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 1 2 नहीं. अच्छा मैं करूं? हाँ रुक रुको मामा. हाँ. मैं कर सकती हूँ. बेटे टेढ़ा कर दिया आपने ऊपर से. ये तो इसके ऊपर से निकल गया. हाँ मैं नहीं कर सकती. मैं करूंगी फिर तो जी. ये इरादा बदल गया और होने क्या लगा है कि ये अब करने लगी है मामा. मुझसे ना मत खाइए. ये पकड़ो इसके ऊपर रखो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और मरियम 1 2 3 को. 1 2 3 बिस्मिल्लाह. आई एम नॉट श्योर. अच्छा ये वाला मैं कर दो. ये वाला श्योर. आई एम नॉट श्योर. टेढ़ा हो गया था ना. मैंने कहा था ना एक सेकंड गाइस. इट्स ब्यूटीफुल. मैंने कहा था ना टेढ़ा हो गया था. फेल. नो ठीक निकली है. ओ यस. जी आप बहुत जोर जोर से वायलेंट हो गए. ठीक है बिल्कुल ठीक है. गुड गुड गुड. ठीक है. ये चीज वाओ लुक्स सो गुड. तो अगर गाइस मुझे फोकस करें. आइंदा बन क्या है? पता है तुम आप लोगों ने क्या गलती की है? उल्ट गया वो टेढ़ा हो गया था. नहीं उसकी वजह है कि ये प्लेट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए थी. जब स्ट्रेट होती ना तो ये इसको टेढ़ा होने के चांसेस कम थे. अभी ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई. आई टोल्ड यू एट दैट टाइम. अगर ये फॉर एग्जांपल टूट भी जाए तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये फॉर एग्जांपल टूट भी जाए ना तो इट टेस्ट सो यमी. एंड अब देखे मैंने इसको ये थोड़ा सा यूं हो गया था और मैंने इसको यूं कर लिया. मतलब ये थोड़ा सा डैमेज हुआ है लेकिन मैंने उसको दोबारा वो कर लिया. अब ट्राई करके बताओ कैसा है. हाँ ट्राई करके बताओ. थोड़ा सा गर्म है लेकिन इसको आप लोग ठंडा करके खाएं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. यमी है ना? बहुत यमी है. ये ले आप ट्राई करें. बहुत गर्म है. बहुत गर्म है. फूफू करें. फूफू कैसा है? बहुत मजे का. वनीला एसेंस का बड़ा मजा स्मेल आ रही है. और चीनी बिल्कुल पूरी है. अब अपनी मर्जी के मुताबिक डालें. कैरमल बिल्कुल सही है. और ये देखिए हल्का हल्का मुझे करीब से दिखाएं ना.
ये हल्का हल्का जो कैरमल वाला पानी है ये और भी ज्यादा मजे का लगता है। तो इसको भी हम ठंडा कर दें और फिर हम खाने के बाद खाएंगे, तो देन वी विल सी यू। बल्कि हो सकता है कि बाबा पहले खा चुके हो, बहुत लंबी हो गई है गाइस, अगर हम दोबारा ना आपसे मिल सके तो फिर हमारी कोई बाहर आए हैं। तो फिर हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड लव यू ऑल, कॉमेंट आप भी कह रहे हैं, मैंने ही दोबारा, ओके देन, सी यू, बाय।